गायत्री का जप कराइए, सवा लाख गायत्री का जप कराइए। आप बोल दीजिए पंडित को, पंडित को 1 लाख पड़ता है कि 10,000 पड़ता है, उसके लिए बैंक हो गया, आपसे पैसा ले लेंगे। उस पंडित ने आपके लिए जमा किया हुआ है, हमने हमारे बैंक में इस समय 1 करोड़ जप है, आपको जितना चाहिए हम आपको दे देंगे। इस अंधविश्वास के खिलाफ कौन लड़ाई करेगा? और इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, उनके विशद की दूसरी बात यह थी कि द्वीप द्वीपांतर देश देशांतर में हमारी मंडली जाए जो वेदों का प्रचार, वेद धर्म का प्रचार कर सके। आज आर्य समाज के अंदर भजन उपदेशकों का सम्मान कम हो गया, आज आर्य समाज के अंदर विद्वानों का सम्मान कम हो गया। जिस समाज के अंदर विद्वानों का सम्मान नहीं होगा, जिस समाज के अंदर उपदेशकों का सम्मान कम होगा, उस समाज कभी बढ़ नहीं पाएगा। मित्रों, आज हमको इस संकल्प लेना चाहिए। ऋषि दयानंद ने यह कहा था कि वेद वेदों का हम प्रचार कर सकें, देश देशांतर में प्रचार कर सकें, हम उन्हीं की भाषा में उनका जवाब दे सकें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने यह कहा कि वश्यत की एक तीसरी बात और है कि हम दुनिया के इस आर्यव्रत के दीन दुखों के लिए कुछ काम करें, उनकी शिक्षा के लिए काम करें, उनकी सेवा के लिए कुछ काम करें। ऋषि दयानंद इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। दिवाली का दिन था, दिवाली का दिन था, दुनिया प्रकाश करते, दुनिया इसे आर्यव्रत के अंदर अंधेरा छा गया। उनके जमाने में ऐसे ऐसे विद्वानों ने, अमेरिका के एंड्रू जैक्सन ने लिखा था, एक मुझे ऐसी अग्नि दिखाई देती, एक शुद्ध अग्नि दिखाई देती है, भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी अग्नि दिखाई देती है जो सारे अंधविश्वास को, सारे पाखंड को जला करके भस्म कर देगी। पर ऐसा मित्र हुआ नहीं। और ऋषि दयानंद जिसके अंतिम दर्शन करके क्या कोई सोच सकता है, जिसको इतना संख्या जहर दिया गया हो, उस संख्या जहर पीने के बाद सारे शरीर में छेद हो गए, सारे शरीर के अंदर वो बॉयल हो गए, इतना दर्द था, उस दर्द के अंदर भी कितने शांत थे। दुनिया अपने चेलों से पूछते हैं, आज कौन सा पक्ष है, कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, और ये कहकर के भगवान का गायत्री मंत्र का जप करते हैं, कहते हैं, ईश्वर तेरी यही इच्छा थी, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये बात सुनकर के उस जमाने का नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी आस्तिक बन गया, ऐसा आस्तिक बन गया। अगर उस दृश्य की बात आप करेंगे, ऐसा दृश्य, ओ प्रोफेसर गुरुदत्त विद्यार्थी अपने जमाने का भारत का सबसे पहला साइंस का प्रोफेसर, और गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज के 5 नियमों को अपने आगे कपड़े पर लिखता है, 5 नियमों को पीछे लगता है, और आर्य समाज के 10 नियमों को लेकर के दुनिया में प्रचार करने के लिए निकल जाता है। मित्रों, ऋषि दयानंद की किताब पढ़ना पुण्य का कार्य है, ऋषि दयानंद के बारे में बात करना यह धर्म का काम है, एक संकल्प लेकर के जाना चाहिए। और ये जानने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, सच्चाई जानने के बाद भी अगर हम उसका प्रचार नहीं करते हैं तो हम लोग पापी हैं। ये कोई माफ नहीं करेगा हमको, आगे आने वाला इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। हम ये जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी हम इसका प्रचार नहीं कर पाते, हम उसको अपने अंदर जो है अपने अंदर उसको धारण नहीं कर पाते। ऋषि दयानंद का कहना यही था, आर्य तो वही है जो वेदों का पढ़ना पढ़ाना करता है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। मित्रों, अपने हृदय में हाथ रख करके देखो, हम में से कितने लोग वेदों का पठन पाठन करते हैं, हम में से कितने सुनने सुनाने की बात करते हैं। हम तो लेकर के चले ऋषि ध्यान से, हम लोग ये सीखे, पर आए पीड़ में जलना, मरीजों की दवा होना, पर आए पेड़ में जलना, मरे जो की दवा होना, कोई सी के दयानंद से, कोई सी के दयानंद से, धर्म पे जा फिदा होना, धर्म पे जा फिदा होना। नजर में मौत बसती हो, नजर में मौत बसती हो, भवर में
किस्ती फस्ती हो, नजर में मौत बस्ती हो, भवर में किस्ती फस्ती हो, भवर में किस्ती फस्ती हो, लगा करो वेद का चप्पू, लगा करो वेद का चप्पू, किनारे पार हो जाना, किनारे पार हो जाना। महर्षि दयानंद युग दृष्टा थे। ओ महर्षि, आज दुनिया के अंदर जितनी समस्याएं हैं, चाहे भुखमरी की समस्याएं हैं, चाहे न्याय है, चाहे आतंकवाद है, ये जातिवाद है, प्रोफेसर साहब बोल रहे, जातिवाद ने राष्ट्रवाद को खा दिया बिहार के अंदर, चाहे जातिवाद का जहर है, इन सब समस्याओं को उस युग दृष्टा ने देखा था। 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने देखा था कि 21वीं शताब्दी में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। उस युग दृष्टा से उनको देखा था, उनका समाधान बताया था, उनका हल बताया था, उनका समाधान आर्य समाज के 10 नियमों में बताया, सत्यार्थ प्रकाश जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में के अंदर बताया। अगर हम ये जान ले कि सत्य को हम जो है जहां भी सत्य मिले उसको हमको ग्रहण करना है, और जहां असत्य मिले उसको अपने को छोड़ देना है। संसार का उपकार करना, अरे केवल अपना उपकार करना नहीं, केवल आर्यों को उपकार करना नहीं। बहुत बार हमारे समाज के स्टेज से सुनते हैं, किरण बंतो हो विस्मार्यम, अरे सुनने वाले भी ज्यादा आ रहे हैं, हमें तो जाकर के वहां पर प्रचार करना है, मुसलमानों के बीच में प्रचार करना है, किरानियों के बीच में, कुरानियों के बीच में, पुरानों के बीच में, जैनियों के बीच में, सब जगह प्रचार करना है, अरे दूसरों को आर्य बनाना है। किरणवन तो विश्वार्यम, हम दूसरों को जब तक आर्य नहीं बनाएंगे तब तक ऋषि का सपना कैसे पूरा होगा। आज जरूरत इस बात की है, उस सपने को लेकर के चलें। अरे संकल्प ले, एक संकल्प ले, मैं अपने जीवन में कम से कम साल भर में मैं एक आदमी को तो वेद की बात, ऋषि ध्यान की बात बताऊंगा। इतने प्रबुद्ध लोग हैं, अरे जो खुद नहीं कर सकते दूसरे करवाए। अगर दीपक बन नहीं सकते, ये आज ज्योति का त्योहार है, दीपक जलाएं। हम जो बचपन में गांव में थे, हम जो है दीपक जलाते थे, मिट्टी के जो जलाते थे, पड़ोसी के घर पे भी जलाते थे, गली में भी जलाते थे, और जहां गोबर डालते थे उस कुंडी पे भी दीपक रखते थे, एक दूसरे के घर में दीपक जलाते थे। क्या हम आज एक दीपक नहीं जला सकते, ज्ञान का दीपक नहीं जला सकते? अगर हम ज्ञान का दीपक नहीं जला सकते, अरे कम से कम उस दीपक में तेल तो दे सकते हैं, तेल नहीं दे सकते तो उसकी रूई तो बन सकते हैं। अगर वो इतना भी हम नहीं कर सकते, ये दीपक को कोई बुझाने नहीं पाए, उसके लिए हवा के सामने का ढाल तो बन सकते हैं। जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुछ लेख लिखते हैं, आपको मालूम है 2007 के अंदर ये भारत सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया, और एफिडेविट ये था कि राम नाम का कोई भी व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, न राम पैदा हुआ, न कृष्ण पैदा हुआ। क्या इस बात को आप स्वीकार करते? कितने लोगों ने लिखा होगा कि राम इस धरती पर पैदा हुआ? अरे हम तो भगवान राम को भगवान मान करके पूजा करते हैं। एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष के पास में गया, मैंने कहा इसमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा राम तो हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए इतिहास का बात नहीं है। मैंने कहा इससे दुनिया मानने वाले नहीं, बुद्धिजीवी मानने वाले नहीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में काम करता था, भारत सरकार के खिलाफ लिखना और भी पुलिस में रहते हुए लिखना, तो मैं 6 महीने तक सोचता रहा। जब हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, मैंने 6 महीने के बाद लिखा, भगवान राम की ऐतिहासिकता के नाम से एक लेख लिखा, और सारी दुनिया के विद्वानों को मैंने ललकारा, सारी दुनिया के विद्वानों को, प्रोफेसर को ललकारा। जिनको पढ़ना हो वो इंटरनेट पर जा सकते हैं, इंटरनेट के अंदर जो वो मिलता है, मेरा लेख है प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम। हजारों कमेंट दुनिया भर में उसके लिखे गए मेरे लेख के ऊपर, हजारों लाखों लोगों ने उसको के पढ़ा, और मैंने सिद्ध किया भगवान राम इस धरती पर पैदा हुआ।
आज जरूरत इस बात की है, हमें ऐसे प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर भारद्वाज जैसे लोग चाहिए जो अपने ही स्टेज से, अपने ही यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये जो स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे हो, कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहे हो, ये तुम झूठ पढ़ रहे हो, सच्चाई ये है। अरे मेरा जैसा आदमी जो कम पढ़े लिखा व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, जो प्रोफेसर नहीं है, वेदों का विद्वान नहीं है, अगर मैं प्रोफेसर लोगों को ललकार सकता हूं, एक नहीं मैंने कई जगह ललकारा है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लोग आए थे, दो दिनों तक सेमिनार चलता रहा, वेदों के ऊपर सेमिनार थे। उनको सुनने के बाद मैंने कहा मुझे बड़ा दुख होता है, आज वेदों के विद्वानों के प्रोफेसर लोगों को सुनने के बाद मुझे लॉर्ड मैकाले की बात याद आई। इस हिंदुस्तान के अंदर एक दिन ऐसा आएगा, खत्म कर रहा हूं, इस दुनिया के अंदर एक ऐसा आएगा जब भारतीय लोग केवल सकल सूरत में केवल मात्र देखने के लिए भारतीय रह जाएंगे। उनकी सोच बदल जाएगी, उनका खान पान बदल जाएगा। आज इंटेलेक्चुअल उसको कहते हैं, बुद्धिजीवी उसको कहते हैं जो अपने देश की संस्कृति को गाली देता है, जो अपने पूर्वजों को गाली देता है, जो ये कहता है हमने कला कृति सब कुछ जो है विज्ञान हमने बाहर से सीखा, हमारे पास तो कुछ नहीं था, वो आज का बुद्धिजीवी है। इन बुद्धिजीवियों को ललकारने की जरूरत है। और मैं तो निवेदन करूंगा, महाशय धर्मपाल जी इतना बड़ा काम करते हैं, आपको दानवीर कर्ण से कम नहीं, उससे बड़े हो। उस जमाने में तो बहुत लोग थे, आज तो सब इस पूरे समाज की दृष्टि आपके प्रति जाती है। ऐसे ऐसे प्रोफेसर लोगों को सेलेक्ट करो, ऐसे लोगों को जो हमारी विचारधारा को आगे ले जा सके, और दुनिया के राष्ट्र के लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के ओम का झंडा जो है रख कर सके, ऐसे लोग हमको चाहिए। हम लोग तो एक एक आदमी ऐसा बने, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी और की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी और की सूरत, हम तो तेरी तस्वीर उठाए, हम तो यहां में तेरी तस्वीर उठाए फिरते हैं, तेरी तस्वीर उठाए फिरते हैं। तो का ज्ञान लेकर के घूमते नहीं, सारी दुनिया को चैलेंज करते हुए घूमते जाएं, एक एक विषय के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर हमको विद्वान चाहिए। विद्वान मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत है, उनको प्रेरणा देने की जरूरत है, उनको जो सपोर्ट और समर्थन देने की जरूरत है। आज भी हमारे पास एक अच्छा वातावरण है, और प्रोफेसर साहब तो बोल रहे थे, अभी मैं तो आप ही लोगों का काम करता हूं, जहां भी खड़ा होता हूं पार्लियामेंट में बोलता था वहां भी बोलता हूं। ये जिस बात के कहते मैंने पार्लियामेंट में इस बात में बोल चुका हूं, मेरा सबसे पहला वक्तव्य व्यवहार पार्लियामेंट में ऋषि दयानंद के ऊपर हुआ था, और मैंने बाद में बोले लॉर्ड मैकाले के ऊपर मैं बोला, जब तक इस देश की शिक्षा पद्धति को बदला नहीं जाएगा तब तक इस देश की आत्मा को बदला नहीं जा सकता। आज इतना जो आवरण इतना फैल गया, आत्मविस्मृति का वातावरण, आवरण जिसने हमको गुलाम बनाया, जिसने सैकड़ों वर्षों तक हमको गुलाम बनाया, इस देश को पुनः अगर दुनिया का सिरमौर बनाना है, दुनिया का गुरु बनाना है, उसका केवल मात्र एक ही उपाय है, और वो एकमात्र उपाय ऋषि दयानंद का बनाया हुआ उपाय, बताया हुआ उपाय ये है कि केवल वेद के रास्ते पर चलना पड़ेगा, केवल मात्र वेद का रास्ते पर, वेद के बिना दूसरा उसका कोई दूसरा को उपाय नहीं है। उठो उठो सो रहे हो नाहक, उठो उठो सो रहे हो नाहक, पया में बांगे जरस तो सुन लो, उठो उठो सो रहे हो नाहक, पया में बांगे जरस तो सुन लो, देखो कि कोई, देखो कि दयानंद बुला रहा है, देखो कि दयानंद बुला रहा है, निशाने मंजिल दिखा दिखा कर, निशाने मंजिल दिखा दिखा कर। बस इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और हर समाज के सभी विद्वानों का, सभी लोगों का, आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, परमात्मा मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मैं ऋषि दयानंद का वेद का झंडा लेकर के सारी दुनिया में घूमता रहूं, ये मुझे सुधे। आप सब लोगों का आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत।